नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना ही YouTube चैनल एंजल टेक एनालिसिस। तो जैसा मैं हर वीकेंड पर आप लोगों के लिए एक शेयर लेकर आता हूं और उसकी मैं पूरी टेक्निकल एनालिसिस करके आपको सिखाता हूं और उसके बारे में बताता हूं, उसकी फंडामेंटल, उसका टेक्निकल टोटल चीजें बताता हूं। तो आज मैंने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है वो स्टॉक है आयशर मोटर। तो मैं आयशर मोटर के बारे में आपको जो है इसका एक प्रोफाइल बता देता हूं जिससे आपको जो है पिक्चर क्लियर होती हुई दिखाई देगी। तो ये जो आयशर मोटर है, आयशर मोटर जो है ये मोटर और हैवी व्हीकल्स इंडस्ट्री में काम करता है। मींस ये जो है इंडिया में जो अपने ट्रक आप देखते हैं, ट्रक, बसेस, वॉल्वो ट्रक वगैरह और मिलिट्री के ट्रक वगैरह जो है वो बनाने का काम करता है आयशर मोटर। और आयशर मोटर में जो इस टाइम इम्प्लॉय काम करते हैं वो 4,082 इम्प्लॉयज इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये एक गुड़गांव बेस्ड कंपनी है जिसका मार्केट कैप 46,085 करोड़ रुपीज है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके विनोद अग्रवाल हैं और ललित मलिक जी इसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। और इस शेयर में जो है वॉल्यूम, जो एवरेज वॉल्यूम जो हमको डेली देखने को मिलती है वो है 1,76,040 की वॉल्यूम हमको डेली एवरेज, मतलब हमने इसकी देखी है। और इसका जो पीई रेशियो जो है वो 23.33 पर इस टाइम है। और देखिए इसकी जो नेट इनकम है, मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसको हम एक ब्लू चिप कंपनी भी कह सकते हैं। देखिए हमको जो है किसी कंपनी का जो है अच्छा या बुरा होना उसके जो है बैलेंस शीट पर उसके निर्भर करता है कि उसकी बैलेंस शीट किस तरह की है। तो जैसा मैंने इसकी जो है एनालिसिस की है आयशर मोटर की, इसकी एनालिसिस करने के बाद जो है मुझे इसकी बैलेंस शीट काफी अच्छी और काफी शानदार दिखाई दी है जिसमें कि मतलब हम अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं जो आपको एक मोटा मोटा बता देता हूं कि जो इसकी जो नेट इनकम जो है, मैं नेट इनकम की बात करूंगा, मैं और सब चीजें नहीं बता रहा हूं यहां पर अभी। जो नेट इनकम है वो नेट इनकम जो है 2015 में 615 करोड़ रुपए थी, वही 2016 में 1,338 करोड़ रुपए हो गई। मीन्स डबल से भी ज्यादा जो है इसने एक साल के अंदर जो है इसने ग्रोथ की। और 2017 में जो है 1,667 करोड़ रुपए हो गई, 2018 में 1,959 करोड़ रुपए हो गई और 2019 में जो है टोटल नियर अबाउट 2,100 करोड़ रुपए के नियर अबाउट अभी इसकी जो है प्रॉफिट है। तो जैसा कि मैंने आपको 5 साल का डेटा दिया, 5 से 6 साल का डेटा दिया, और आपने इसमें ये देखा कि इसमें ये जो कंपनी है वो ईयर बाय ईयर जो है कंटिन्यू इसकी इनकम में जो है ग्रोथ हो रही है। ये ग्रोथ होना जो है एक बहुत अच्छी कंपनी, एक ब्लू चिप कंपनी होने का साइन होता है। तो हमको जो है इस तरह के स्टॉक देखने होते हैं जहां पर मतलब हम अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकें। देखिए मैं आपको जो है इसकी 2019 की जो है मैं क्वार्टरली बैलेंस शीट के बारे में कुछ बता देता हूं। जो 2019 का जो इसका मार्च का जो इसका रिजल्ट पेश हुआ था उसमें इन्होंने 5,448 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट लिया था। जून 30, 2019 में जो है इनका जो बैलेंस शीट इन्होंने पेश किया था उसमें 4,517 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। और उसके बाद जो है सितंबर 30, 2019 में जो इन्होंने बैलेंस शीट पेश किया था उसमें 5,726 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। और दिसंबर 31 को जो इन्होंने बैलेंस शीट पेश किया उसमें जो है 4,987 करोड़ रुपए का इसका जो है बैलेंस शीट नेट इनकम थी। तो मतलब ये सब चीजें, ये प्रोफाइल देखकर जो है कंपनी के बहुत एक अच्छे मजबूत साइन होने का जो है पता लगता है। तो चलिए अब हम जो है बात कर लेते हैं आयशर मोटर की। आयशर मोटर कि जो है टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले कुछ मार्केट की उथल पुथल की बात कर लेते हैं जो आजकल हम मार्केट में देख रहे हैं कि जिस तरह से देखिए कोरोना वायरस ने जो है कितना इफेक्ट डाल दिया है मार्केट के ऊपर। और सिर्फ हमारे ही मार्केट नहीं, ऑल वर्ल्ड की मार्केट जो है बुरी तरह से क्रैश हो चुकी है। जैसा कि आपने कल के सेशन में देखा, फ्राइडे के सेशन में, कि मार्केट ने जो है स्टार्टिंग के थोड़े 10 से 15 मिनट के अंदर ही जो है मार्केट निफ्टी हमारी 10% से भी ज्यादा गिर गई और हमको जो है लोअर सर्किट का सामना करना पड़ा। उसके बाद जो है मार्केट खुली है 45 मिनट के बाद, उसमें जो तेजी देखने को मिली है वो आज तक की वो रिकॉर्ड सबसे ज्यादा एक दिन की मूवमेंट है निफ्टी में। तो इस तरह से मतलब हमको जो है बहुत सोच समझ कर संभल कर चलना चाहिए। हमें अभी जो है किसी शेयर में जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसके लिए एक सही टाइम आपको पकड़ना पड़ेगा। वो टाइम भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बताऊंगा। देखिए हम जो है एक दिन की तेजी को देखकर हम मार्केट में जंप नहीं कर सकते,
हम जो है अपना कैपिटल जो है किसी भी शेयर में अभी इन्वेस्ट करने से पहले उसको जो है कुछ टाइम तक सोचना होगा। देखिए पिक्चर जो अभी क्लियर होगी वो मंडे को पिक्चर क्लियर होगी कि क्या होने वाला है मार्केट में। अगर मंडे ट्यूसडे नेक्स्ट जो है आने वाले एक दो दिन में जो है फिर ऐसी ही तेजी देखने को मिली जैसी हमको शुक्रवार के दिन को देखने को मिली है, तो हम जो है अपना जो है प्लान करेंगे आगे के लिए कि मतलब हमको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसमें नहीं करना चाहिए। वैसे मेरी सलाह तो ये रहेगी अभी आप जो है पार्शली इन्वेस्ट करना चालू कर दीजिए। जैसे आपने 10% 10% आज इन्वेस्ट कर दी, फिर थोड़ी मार्केट गिरी, फिर 10% इन्वेस्ट कर लिया, फिर थोड़ी मार्केट गिरी, फिर 10% इन्वेस्ट कर लिया। तो देखिए आप इन्वेस्ट जो है कंटिन्यू करते रहिए, आप घबराइए मत कि मार्केट जो है इतनी क्रैश हो चुकी है। देखिए जो तेजी होती है ना वो सदाबहार होती है, और जो मंदी होती है वो सिर्फ एक जो है आप कह सकते हैं पुल बैक या पुल डाउन ही हो सकती है, ठीक है ना। जैसा कि हमने 2008 में भी मंदी देखी थी, तो 2008 की जो है मंदी के नियर अबाउट ये मंदी भी चल रही है, बट उसके बाद जो मार्केट जो निकल कर आती है, जो अपसाइड की जो निकल कर आती है, वो एक काफी अच्छी जो है एक मूवमेंट देकर जाती है। सो इसलिए मार्केट में किसी तरह का पैनिक जो है आप मत जो पैनिक क्रिएट हो रहा है उसके झांसे मत आइए। आप जो है अपने कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहिए, आपकी सिप चल रही है तो कंटिन्यू सिप चालू रखिए, म्यूचुअल फंड चल रहा है तो उसको भी कंटिन्यू चालू रखिए, ठीक है। तो चलिए आइए जो है अब हम आयशर मोटर के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। इसमें जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को जो है ड्रॉ करके देखते हैं, और अब मैं आपको सिखाता हूं कि जो है मतलब हमको किस तरह से इसमें टेक्निकल ड्रॉ किया जाता है और किस बेस पर हम जो है शेयर खरीदते और बेचते हैं। तो चलिए हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं, 2016 से हम ले लेते हैं फिलहाल, तो वैसे हम एक साल के पीछे की लेके चलते हैं, लेकिन आज जो है अभी हम 3 से 4 साल की हम टेक्निकल एनालिसिस पूरी करेंगे, बिकॉज आज मेरे पास पूरा टाइम है और जो है मैं आप लोगों को कुछ अच्छी तरह से चीजें समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। तो चलिए यहां 2016 से हम चालू कर रहे हैं, 4 अक्टूबर 2016 से हम चालू कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए एक हमको यहां पर जो है हाई मिला हुआ है रेजिस्टेंस, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने यहां पर ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, सॉरी हमने इसको यहां पर इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अभी देखिए अभी क्या करना है, अब पीछे का हमको एक सपोर्ट पकड़ लेना है कि पीछे का कौन सा रेजिस्टेंस था। तो पीछे देखिए यहां पर जो है एक मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो हम इसको भी इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं आगे के लिए, क्योंकि हमने जो है एनालिसिस जो है आगे की करनी है। चलिए आइए शुरू करते हैं। अभी ये देखिए क्या हो रहा है, यहां पर जो है 26,250 के लेवल पर जाकर इसको जो है एक रेजिस्टेंस मिला है, और जहां से अभी हमने चालू किया है, तो रेजिस्टेंस फेस करने के बाद हमने एक जो पिछला सपोर्ट यहां पर ड्रॉ करके रखा हुआ था, तो ये देखिए जो लास्ट टाइम यहां पर इसका रेजिस्टेंस था इस लेवल पर, ये आप देख सकते हैं कि जो है 20,500 के लेवल पर इसका एक रेजिस्टेंस था। अभी वो जो है सपोर्ट का काम कर रहा है, अभी हमने अपने टेक्निकल एनालिसिस यहां से चालू की है। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। देखिए अब जो है यहां पर मार्केट क्या कर रही है, यहां पर मार्केट ने जो है लोअर लो बनाना चालू किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमको जब भी दो लोअर लो मिलते हैं तो हम जो है इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद यही ट्रेंड लाइन हम आगे की तरफ इस तरह से एक्सटेंड कर लेंगे। देखिए जो हमने ये ट्रेंड लाइन आगे की तरफ एक्सटेंड कर लिया है, तो एक्सटेंड करने के बाद हमको ये जो पिक्चर दिखाई दी है, ये देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न के रूप में दिखाई दी है। देखिए और एक जो चीज मैंने आपको बता रखी है, जो स्ट्रेटेजी मैंने सुपर स्ट्रेटेजी जो है मैंने आपको यहाँ पर फ्री में बता रखी है, उन चीजों को देखिए आप सीखिए समझिए और जो है मार्केट में जो है इम्प्लीमेंट करिए। यहां पर देखिए जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर दो जो है बॉटम लगे हुए हैं, इसको हम जो बोलते हैं इसको बोलते हैं हम डबल बॉटम पैटर्न। और मैंने जैसा कि आपको बताया है कि कहीं पर भी आपको डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम या डबल टॉप ट्रिपल टॉप पैटर्न मिले, तो वहां पर आपने क्या करना है, वहां पे आपने सिर्फ आरएसआई की ओर फोकस करना है। यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं आरएसआई यहां पर लेवल सेम है, यहां पर नियर अबाउट 20,200 का लेवल है। मार्केट ने जो है आयशर मोटर ने 20,200 के लेवल को आकर दोनों बार टेस्ट किया है, बट यहां पर जो आरएसआई हमको दिखा रहा है, आरएसआई हमको एक बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो बुलिश डाइवर्जेंस के सिर पर ही हम सिर्फ ट्रेड नहीं ले लेंगे, हमको यहां पर दो तीन कंफर्मेशन चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया कि मार्केट ने आयशर मोटर यहां पर लोअर लो बना रहा था, जब हमको दो लोअर लो मिले तो हमने ऊपर से जो है ट्रेंड लाइन एक एक्सटेंड की, ट्रेंड लाइन एक्सटेंड करने के बाद हमको यहां पर एक ट्रायंगल पैटर्न भी मिल गया। उसके बाद जब यहां पर इसका हाई निकालता है, ये देखिए इसका जो हाई लगा हुआ था, जब इसने यहां पर इसका हाई निकाला है, तो हाई निकालने के बाद जो है हमारी एंट्री यहां पर एग्जीक्यूट हो जाती है। अब देखिए हमको यहां पर कितने अब देखिए हम जो है सिर्फ एक कंफर्मेशन के बदौलत हम ट्रेड नहीं ले सकते, आपको मैं ये चीजें बार बार बताता हूं, ये चीजें जो है अपने जहन में रख लीजिए,
ठीक है। यहां पर अभी देखिए आपको जो है हमको जो पैटर्न मिला है डबल टॉप पैटर्न मिला है, ये एक कंफर्मेशन हो गया। दूसरा कंफर्मेशन ये हो गया कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। तीसरा कंफर्मेशन ये हो गया कि ये जो है रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। चौथा कंफर्मेशन और सबसे बड़ा कंफर्मेशन ये जो है नीचे RSI ने बुलिश डाइवर्जेंस दिखाया है। तो चलिए देखते हैं अभी आगे क्या होता है। यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने जो इसका ब्रेकआउट किया है और ये ब्रेकआउट जो है नियर अबाउट 23,400 के लेवल पर इसका ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट करने के बाद ये देखिए स्टॉक ने जो है ऊपर की तरफ निकलना चालू किया है। ये मैं आपको अच्छे से ऐसे कर देता हूं, स्टॉक ने ऊपर की तरफ का रुख किया है। और यहां पर देखिए जो हमारा यहां पर हमने सपोर्ट ड्रॉ करके रखी, रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखी हुई थी, वहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद कंटिन्यू ये देखिए हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ निकल गया है। ठीक है, अभी ये देखिए जब ये ऊपर की तरफ मार्केट निकल रही है तो हमारा जो है पहला जो टारगेट है वो टारगेट ये होगा। ये देखिए जो हमने, देखिए हमने यहां पर कोई नया सपोर्ट या नया रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं किया है। ये जो पीछे हमने जो पीछे का हाई लगा हुआ था यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की थी, इसी लाइन को हमने जो है आई की तरफ एक्सटेंड कर दिया है। और यहां पर देखिए हमको जो है यहां पर आइशर मोटर जो है 26,500 के लेवल पर आकर इसने फिर सपोर्ट लिया है। और सपोर्ट लेने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर इसने कितनी अच्छी एक हैमर कैंडल बनाई है। ठीक है ना, यहां पर एक हैमर कैंडल बनाने के बाद फिर जो है ये अपनी दिशा में चल पड़ा है, मतलब अब ट्रेंड की ओर चल पड़ा है। अभी देखिए जैसा कि मैं आपको बताता हूं, जब भी मार्केट हायर हाई या हायर लो बनाना चालू करे हमको वहां पर एक इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी होती है। देखिए हमने जो है दो हायर हाई पकड़े, सॉरी हायर लो पकड़े, ठीक है, सॉरी यहां से है, यहां से मार्केट चालू हुई है, दो हायर लो पकड़े। हायर लो पकड़ने के बाद ये देखिए अभी क्या हो रहा है। ठीक है, यहां पर ये देखिए कंटिन्यू जो है मार्केट जब आ रही है, हमने ये देखिए हमने क्या किया था, हमने सिर्फ दो हायर लो पकड़े थे, दो हायर लो पकड़ने के बाद हमने इसको एक्सटेंड कर दिया था। मान लीजिए मैं आपको ये चीज करके दिखाता हूं, एक मिनट आप जो है यहां पर आप फोकस करिएगा। अभी मान लीजिए हमको मार्केट यहां पर मिल रही है, ये इस तरह से है, ठीक है, और मार्केट हमको यहां पर मिल रही है। तो देखिए यहां पर जो है मार्केट कंटिन्यू जो है इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रही है, और सपोर्ट जहां जहां हमको इसका सपोर्ट मिलता जाएगा हमको वहां पर एंट्री मिलती जाएगी। यहां पर देखिए ट्रेंड लाइन, यहां पर सपोर्ट लिया, यहां से बाउंस बैक हुआ, यहां सपोर्ट लिया, यहां से बाउंस बैक हुआ, यहां पर सपोर्ट लिया और यहां से भी बाउंस बैक हुआ। और देखिए मैं आपको यहां पर एक छोटी सी पिक्चर दिखा देता हूं। देखिए जैसा कि मैंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता के रखी हुई है, यहां पर जैसा आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक डबल जो है टॉप बॉटम पैटर्न जो है दिखाई दे रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डबल टॉप पैटर्न पे हम इस तरह से ये ड्रॉ कर लेंगे। अभी मैं आपको लेवल दिखाता हूं कि लेवल देखिए कितना है। इसका जो हाई लगा हुआ है वो 30,050 का है और इसका जो हाई लगा हुआ है वो भी निर्भर 30,050, बिल्कुल सेम लेवल है। आप देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल सेम लेवल है, बट यहां पर देखिए RSI की मूवमेंट क्या है। यहां पर तो बिल्कुल जो है आइशर मोटर ने 30,050 पर फर्स्ट टाइम गया, फर्स्ट टाइम जाने के बाद यहां पर सपोर्ट लेने के बाद फिर सेकेंड टाइम यहां पर गया है। उसके बाद देखिए जो 30,050 के लेवल पर दो बार इसने टेस्ट किया है, बट जैसा कि हम RSI देख सकते हैं RSI ने यहां पर एक जो है बेयरिश डाइवर्जेंस यहां पर हमको एक दिया है। ये देखिए यहां पर लेवल सेम है बट यहां पर जो है इसका, यहां पर लेवल आप देख सकते हैं, यहां पर 85 का लेवल है और यहां पर जो है 68 का लेवल है। तो यहां पर जैसा आप देख सकते हैं यहां पर 17 पॉइंट का डिफरेंस है। तो यहां पर हम जो है एक सेल एंट्री यहां पर ले सकते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर। जैसे 30,050 का यहां पर जो है हाई यहां पर लगा रहा है, तो हम 30,100 का नियम 50 से 100 पॉइंट का यहां पर जो है हम स्टॉप लॉस रखकर हम काम कर सकते थे। तो अभी देखिए 30,050 से जो है मार्केट ने हमको कहां तक क्या दिया है, 26,000 तक। तो नियर अबाउट 4,000 पॉइंट हमको जो है स्विंग ट्रेडिंग में यहां से मिल सकता था। अभी देखिए क्या हो रहा है, अभी मार्केट जो है सेम, अब यहां पर देखिए कहां पर आई है, यहां पर ये जो पीछे का रेजिस्टेंस था, पीछे हमने रेजिस्टेंस जो ड्रॉ करके रखा हुआ था और यहां पर आके भी इसका ये रेजिस्टेंस था, अब यहां पर आके देखिए यहां पर सपोर्ट इसका हो रहा है। और सपोर्ट होने के बाद जो है मार्केट जो नीचे की तरफ आई है, देखिए अभी एक तो सपोर्ट ये हो गया, हमारी जो कंफर्मेशन है मैं आपको वो बता रहा हूं जिस बेस पर मैं ट्रेड लेता हूं। एक तो हमको ये सपोर्ट मिल गया, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी है इसका सपोर्ट मिल गया। सेकंड जो है जो हमारी ये लॉन्ग टर्म की हमने जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है हमको इसका सपोर्ट मिल गया, दो सपोर्ट हो गए। तीसरा सपोर्ट जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए कितनी अच्छी एक जो है बुलिश कैंडल यहां पर बनी हुई है, बुलिश हैमर यहां पर बनी हुई है। तो तीन कंफर्मेशन हो गए और तीन कंफर्मेशन जो है काफी होते हैं किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने के लिए। अभी यहां पर मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं, ये देखिए ये जो यहां से मार्केट चली है यहां पर, ये देखिए, ठीक है,
अब ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मार्केट जो है एक चैनल के रूप में यहां पर काम कर रही है। आयशर मोटर जो है ये देखिए कब से लेकर, एक नवंबर 16 से लेकर और नियर अबाउट 17, तो मार्केट जो है आयशर मोटर जो है एक साल तक इस रेंज में रहा है। मतलब एक इसको हम बोलते हैं चैनल। तो देखिए मैं आने वाले टाइम में जो है सभी पैटर्न के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरी जो है कुछ अभी 5-7 वीडियो और स्टॉक के ऊपर आएंगी। जैसे देखिए मेरा जो मोटिव है वो आप लोगों को जो है किसी भी चार्ट में जो है चार्ट पैटर्न ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है ना, उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाना है। क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर काफी ऐसे लोग हैं जिनको 5 से 10 साल हो चुके हैं, बट उन लोगों को अभी सपोर्ट तक ड्रॉ करनी नहीं आती है। अगर ड्रॉ करनी भी आती है तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हमारा ये सपोर्ट या रजिस्टेंस जो हमने ड्रॉ किया हुआ है वो सही है या नहीं सही है। सो जब उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा तो फिर वो कभी भी अपनी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं कर सकेंगे, और क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होगी तो फिर बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं जो है आप लोगों को ये 15 से 20 वीडियो बनाकर दे रहा हूं कि जब भी आपको किसी तरह की कोई भी चीज में अगर दिक्कत आती है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जो मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, और इसमें जो है किस तरह से मैंने पैटर्न ड्रॉ किए हुए हैं, किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं। जब आप इन वीडियो को कंटिन्यू देखना चालू करेंगे तो आपका आपका जो है माइंड का जो है लॉक खुलना चालू हो जाएगा और आप जो है धीरे धीरे चीजों को पकड़ना चालू कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो है अभी हमको जो है यहां पर अलर्ट हो जाना है कि जब भी हमको मार्केट जो है आयशर मोटर इस अपर ट्रेंड लाइन पर मिलेगी, जो अपर चैनल का जो ट्रेंड लाइन है यहां पर मिलेगी, तो हमको सेल पोजीशन बनानी है, और जब भी हमको इस ट्रेंड लाइन पर मिलेगी तो हमको बाइंग पोजीशन बनानी है। देखिए चैनल पैटर्न में इसी तरह से हम काम करते हैं कि चैनल पैटर्न में जब भी प्राइस जो है अपर चैनल को जाके टच करता है वहां पर हम एक दो कंफर्मेशन लेकर उसमें सेल साइड का ट्रेड बनाते हैं, और जब भी चैनल पैटर्न में जब है स्टॉक जो है डाउन चैनल को जो आके टेस्ट करता है और वहां पर जब हमको 2 या 3 कंफर्मेशन मिल जाती है तो वहां से जो हम बाइंग का जो है सिनेरियो बना लेते हैं। तो मतलब इसको हम एक तरह से देखिए मार्केट यहां पर ऊपर जा रही है, बट इसको हम एक चौपी मार्केट कह सकते हैं। चौपी मार्केट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये जो है एक रेंज में काम कर रहा है। मार्केट तो ऊपर की तरफ जा रही है, जैसा कि आप क्लियर यहां पर देख सकते हैं मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, बट यहां पर जो है जो चैनल जो होता है ना, इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि चैनल किस तरह से काम करते हैं। जो चैनल होता है उसको हम एक चौपी मार्केट हम कह सकते हैं। जब भी ऊपर की तरफ जाए नीचे की तरफ के लिए सेल कर दीजिए, जब भी नीचे मिले आप ऊपर की बाइंग के लिए आप उसको बाय कर सकते हैं। तो यहां देखिए यहां पर मार्केट बाइंग के लिए मिली हमको यहां पर ट्रेंड लाइन पर, और इस जो है हॉरिजॉन्टल लाइन का भी सपोर्ट मिला, और यहां पर हमको जो है एक बुलिश हैमर कैंडल मिली, हमने यहां पर बाइंग का ट्रेड लिया, ठीक है। अभी मार्केट देखिए हमको कहां पर मिल रही है, अभी मार्केट हमको यहां पर मिली, ठीक है ना, इस अपर ट्रेंड लाइन पर। अपर ट्रेंड लाइन के बाद हमने देखिए यहां पर क्या देखा, एक हमको यहां पर एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न यहां पर हमको मिला है। तो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न के बेस पर हमने जो है देखिए यहां पर हमारे पास 2 कंफर्मेशन थी, ठीक है। मैं कभी भी एक कंफर्मेशन पर ट्रेड नहीं करता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तो हमको जो है कि ये रेजिस्टेंस मिल गया है इस चैनल का, सेकंड जो है हमको यहां पर जो है बियरिश एंगल्फिंग जो है कैंडलस्टिक का पैटर्न मिल गया है। तो यहां पर जो है 2 कंफर्मेशन जो है ठीक है ट्रेड लेने के लिए, यहां से हम ट्रेड बना सकते हैं। नीचे की तरफ हमको मिला, उसके लास्ट टाइम फिर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ गया, और यहां पर देखिए कितना शानदार यहां पर जो है इसने बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है। सेकंड मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं, देखिए यहां पर अगर हमको यहां पर ट्रेड लेना होता तो हम यहां पर ट्रेड किस तरह से लेते। कई लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है ना कि हम जो है यहां पर ट्रेड किस तरह से लें, हमारी एंट्री कहां पर हो, हमारा एग्जिट कहां पर हो। तो लोग जो है अक्सर एंट्री लेने में गलती करते हैं। देखिए मैं आपको यहां पर चीज बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए जैसा कि आप प्राइस देख सकते हैं, ये प्राइस जो है 32,440 रुपए है, और ये प्राइस जो है ये 32,750 रुपये है। तो यहां पर 400 से 500 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है ना, और यहां पर मिल भी हमको यहां पर जो है अपर चैनल पर रहा है। तो हमारे पास देखिए कंफर्मेशन कितनी है, मैं आपको बताता हूं। एक तो कंफर्मेशन हमको ये है कि चैनल पर मिला, नंबर 1 कंफर्मेशन। नंबर 2 कंफर्मेशन हम जो देख रहे हैं वो है एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, और नंबर 3 कंफर्मेशन जो है जो सबसे बड़ा कंफर्मेशन है वो यहां पर देखिए ये जो एक बियरिश RSI यहां पर बन रहा है। देखिए ये जो प्राइस है ये 32,400 है और ये 32,800 है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर जो RSI 70 है तो यहां पर नियर अबाउट 80 होना चाहिए था, बट ये 80 ना होने की जगह ये जो है नियर अबाउट 64 पर आ गया है।
ठीक है ना। तो यहां पर प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, बट यहां जो आप देख सकते हैं कि यहां आरएसआई जो है नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो देखिए यहां पर हमको तीन कंफर्मेशन मिल गए और यहां पर जो है हम बिल्कुल जो है कॉन्फिडेंस के साथ हम यहां पर सेल का ट्रेड हम यहां पर बना सकते थे। देखिए मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूं कि हमको यहां पर कितनी कंफर्मेशन मिली थी और हमने किस बेस पर एंट्री कहां पर कैसे लेनी थी। देखिए सबसे जो तो हमने चैनल ड्रॉ करके रखा हुआ था, हमको चैनल के पास ही जो है अपर ट्रेंड लाइन पर हमको ये प्राइस मिला आइशर मोटर का। सेकेंड जो है यहां पर जो है इसने एक बियरिश एंगल्फिंग बहुत शानदार पैटर्न बनाया, बियरिश एंगल्फिंग। और थर्ड जो है नीचे जो है प्राइस यहां पर ऊपर की तरफ जा रहा था बट जो है आरएसआई नीचे की तरफ आ रहा था। तो ये हमारा सबसे बड़ा कंफर्मेशन हो गया। तो यहां पर तीन कंफर्मेशन हो गए और तीन कंफर्मेशन के बेस पर हमने ट्रेड लिया। ठीक है, ट्रेड लेने के बाद देखिए प्राइस जो है हमको 32,800 से नियर अबाउट 29,800, तो हमको यहाँ पर 3,000 पॉइंट का प्रॉफिट जो है स्विंग ट्रेडिंग में यहां पर मिल सकता था अगर हम यहां पर ट्रेड बनाते। चलिए अभी हम आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। फाइनली आप यहां पर देखिए, ये देखिए यहां पर क्या हुआ है, इसने फाइनली जो है इसका ब्रेकआउट कर दिया है। देखिए 1, 2, 3, 4, सॉरी 1, 2, 3, 4, 4 और ये 5। तो जैसा मैं आपको बताता हूं ना कि किस कोई भी सपोर्ट है या कोई भी रेजिस्टेंस है, अगर वो लेवल बार बार टेस्ट हो रहा है, मींस 3 से 4 बार टेस्ट हो गया है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये होती है कि 5वीं से 6वीं बार में वो जो लेवल है वो टूट जाएगा। क्योंकि जब कोई भी लेवल बार बार टेस्ट होने लग जाता है तो वो लेवल जो है वीक होने लग जाता है। ठीक है ना। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने आज तक ट्रेडिंग की है, जो मतलब मैंने अपना निचोड़ निकाला हुआ है, तो मतलब जब भी किसी भी लेवल को कोई प्राइस जो है 3 बार टच कर देता है तो चौथी बार में मैं वहां पर ट्रेड नहीं बनाता हूं, मैं वहां पर मल्टी कन्फर्मेशन के बाद ही ट्रेड बनाता हूं। अभी आप यहां पर देखिए क्या हुआ है, यहां पर इसका ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट जो है रीटेस्ट करने के लिए गई है। ये देखिए मैं आपको जो है ना एक इधर अच्छे से करके बता देता हूं। ये देखिए यहां पर मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, यहां पर मार्केट ये रीटेस्ट करने गई। ठीक है, मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूं। ठीक है, यहां पर रीटेस्ट करने के लिए गई है। रीटेस्ट जहां पर मार्केट जब रीटेस्ट करने के लिए आए और अगर हमको वहां पर प्राइस मिले तो हमको जो है श्योर शॉट एक अच्छा मौका होता है ट्रेड बनाने के लिए। अभी यहां पर देखिए हम यहां पर एक रेजिस्टेंस इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, सॉरी हम यहां पर इस तरह से एक रेजिस्टेंस ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, ये शायद आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। यहां पर इस जो चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, जो कंटिन्यू 1 साल से इस चैनल के अंदर ही प्राइस मूवमेंट कर रहा था, 1 साल के बाद इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ है। चैनल का ब्रेकआउट होने के बाद ये देखिए यहां पर चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, चैनल का ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट करने के लिए इस रेजिस्टेंस पर गया है। ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस है यहां पर रेजिस्टेंस पर गया, फिर नीचे की तरफ आया। ठीक है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं फिर नीचे की तरफ आया है, फिर रिटेस्ट करने गया है। फाइनली आप देखिए, ये देखिए अब ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी बार जो है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम, 4 बार कंटिन्यू ये चैनल का जब ब्रेकआउट हुआ है तो 4 बार कंटिन्यू जो है इस चैनल को इस सपोर्ट को जो है टेस्ट करने के लिए गया हुआ है। अभी देखिए अब हम इसको भी यहां नीचे से एक्सटेंड कर लेंगे। ये देखिए जो हमने पीछे का जो रेजिस्टेंस एरिया जो था, इसका रेजिस्टेंस था, इसका रेजिस्टेंस था, उसके बाद इसी पर आकर सपोर्ट दिया, फिर जो है मार्केट जब यहां पर चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने रीटेस्ट करके फिर देखिए यहीं पर सपोर्ट लिया है। ठीक है ना, और सपोर्ट देने के बाद अगर हम यहां पर चाहें एक छोटा सा जो है ट्रेड यहां पर भी बना सकते थे। ये देखिए यहां पर हम एक छोटा सा ट्रेड बना सकते थे। देखिए मैं आपको यहां पर एक चीज और दिखा देता हूं, यहां पर ये देखिए प्राइस जो है कंटिन्यू लोअर लो बना रहा है। ठीक है ना, ये देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, ये देखिए यहां पर लोअर लो, लोअर हाई और ये लोअर लो। ठीक है, यहां पर मार्केट जो है कंटिन्यू लोअर लो बना रही है और यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं आरएसआई जो है यहां पर ये देखिए एक बुलिश डाइवर्जेंस पैटर्न यहां पर आपको दिखा रहा है। तो देखिए हम कभी भी जो आरएसआई का जो बुलिश डाइवर्जेंस देखते हैं या बेरिश डाइवर्जेंस देखते हैं तो उसको कहां पर देखना होता है, उसको हमको एक सपोर्ट एरिया और एक रेजिस्टेंस एरिया पर देखना होता है। हमको कभी भी पैटर्न जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर मिले तभी
हमको जो है आरएसआई जो है डाइवर्जेंस बन रहा है तब उस पर ट्रेड बनाना है, अदरवाइज हमको कहीं पर भी बीच में ट्रेडिंग नहीं करनी है। ऐसा करना जो है खतरनाक हो सकता है आपके कैपिटल के लिए। तो यहां पर देखिए, इसने एक यहां पर छोटा सा डाइवर्जेंस बनाया, छोटा सा डाइवर्जेंस बनाने के बाद यहां पर 26,000 से यहां पर जो है देखिए 31,000 की हमको जो है 5,000 पॉइंट की यहां पर मूवमेंट मिल गई। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मैं जो है ना इसको, ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है इसी को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इसी को एक्सटेंड कर लिया। देखिए, हमने कोई नया सपोर्ट या नया रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं किया हुआ है। देखिए, हमने यहां से टेक्निकल एनालिसिस अपनी चालू की थी इस लेवल पर, ठीक है ना। अभी इसी लेवल पर देखिए मार्केट ने जो है कितना काम किया है। फर्स्ट टाइम एक बार रेजिस्टेंस लिया है, दो बार रेजिस्टेंस लिया है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने का देखिए ये सपोर्ट बनाया है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। देखिए, मैं जो चीज आपको बता रहा था ना, देखिए मेरी बात जो है ना, मैं जो चीजें आपको बताता हूँ जरा आप ध्यान से सुना करिए। अगर मेरी चीजों का आप ध्यान से सुनकर इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो बहुत अच्छा जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए, मैं जैसे आपको बताता हूं कि कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस अगर 4 से 5 बार टेस्ट हो जाए तो वो लेवल वीक हो जाता है, और 5वीं बार में तो मतलब 99% प्रोबेबिलिटी होती है वो लेवल टूटने की। देखिए, जो मैं चीजें बता रहा हूं, आप भी अपना चार्ट खोलिए, आप अपने चार्ट में वो चीजें ड्रॉ करिए, ठीक है ना। वो ड्रॉ करके देखिए 5 से 6 बार में वो लेवल टूटा है कि नहीं टूटा है, ठीक है ना। देखिए, ये एक स्ट्रेटेजीज है, ये अंदर की बातें हैं, ये बड़ी सीक्रेट चीजें हैं जो मैं आपको यहां पर वीडियो में फ्री बता देता हूं, ठीक है ना। लोग इन्हीं छोटी छोटी चीजों को बताने के लिए जो है लाखों रुपए चार्ज करते हैं, बट मैं यहां पर आपको देखिए, मैं एक सिखाने के मोटिव से आया हूं, ठीक है ना। तो आप मेरी चीजें सीखिए, इंप्लीमेंट करिए मार्केट में। जैसा यहां पर आपने देखा, ये जो हमने चैनल ड्रॉ करके रखा था 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम और 6वीं बार में इसने जो है ब्रेक कर दिया था, ठीक है ना। अब सेम जो है हमने जहां से स्टार्ट किया था वहां से देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम सॉरी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम और ये 6th टाइम, और 6वीं बार में देखिए यहां पर इसने जो है इसको ब्रेक कर दिया है। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं 6वीं बार में यहां पर इसको ब्रेक कर दिया गया है, ठीक है। अभी ब्रेक करने के बाद देखिए इसने सपोर्ट कहां पर लिया है, जो ये लेवल ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद इसने सपोर्ट कहाँ लिया है। हम कोई नया सपोर्ट ड्रॉ नहीं करेंगे, हम कोई नया रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हमने जो पीछे का सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है हम उसी को पकड़कर हम इस तरह से हम आगे की तरह ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, अभी मैंने इसको देखिए, मैं काफी दूर तक लेकर नहीं जाऊंगा, हम यहीं तक कर लेते हैं, जिससे जो है मैं आपको धीरे धीरे बताते हुए चलूंगा, तो आपको चीजें जो है अच्छे से पता चलनी चालू हो जाएंगी। देखिए, यहां पर जो है 6वीं बार में जो है लेवल ये टूट गया। ये देखिए, यहां पर ये जो है 6वीं बार में इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो आप ब्रेक करने के बाद देखिए, रीटेस्ट करने के लिए आप जैसा कि देख सकते हैं, सॉरी मैं इसको यहां पर, ओ आई एम सॉरी, ये देखिए अभी हम क्या करेंगे। देखिए, ये जो है ना, हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक तो सपोर्ट होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, और ये जो थोड़ा सा बड़ा एरिया बन जाता है ना, इसको हम जोन बोलते हैं, जोन। इस जोन के अंदर 50 से 100 रुपए का मतलब प्राइस आ जाता है, तो वो उसके बीच में से कहीं से भी मार्केट जो है रिवर्स हो सकती है। तो इस जो इस तरह का जो हम पैटर्न ड्रॉ करते हैं इसको हम जोन कहते हैं। तो आप जो है ये चीजें जरा इंप्लीमेंट करके देखिएगा, तो आपको चीजें जो है अच्छे से समझ में आनी चालू हो जाएंगी। अभी यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर देखिए मार्केट ने जो यहां पर सपोर्ट दिया था, ये देखिए आप देख सकते हैं ना, यहां पर सपोर्ट दिया था, यहां भी इसको भी हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अभी देखिए अब क्या हो रहा है, चलिए इसको हम जो है यहां से देखना चालू करते हैं। यहां पर जो है मार्केट ने इसका लेवल तोड़ा, लेवल तोड़ने के बाद यहां पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गया, उसके बाद जो अगला सपोर्ट था वहां पर ही आया, और यहां पर ऊपर से देखिए कि मार्केट जो है कंटिन्यू, ये देखिए लोअर लो बनाना इसने चालू किया है, लोअर लो और लोअर हाई, ठीक है। तो हम देखिए, जैसा ये चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, चलिए आइए देखते हैं कैसे हो रहा है ये। ये देखिए, हमको एक, चलिए इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। यहां पर देखिए, ये 1st टाइम और ये 2nd टाइम, तो मैं आपको यहां से सिखाता हूं, ठीक है ना। आप यहां पर गौर करने की कोशिश करिएगा। ये देखिए, एक बार और दो बार, जब ये हमको कोई भी, जैसे मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है और लोअर लो बना रही है, ये देखिए इसको जो नीचे की तरफ गिरती है ये लोअर लो हो गया, और नीचे से जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो लोअर लोअर हाई इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो जब हमको ये दो लोअर लो और लोअर हाई मिल गए, तो हमने इसको पकड़ के एक इस तरह से ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये देखिए, अब इसको हम कह रहे हैं ट्रेंड लाइन।
तो मार्केट जो है यहां पर देखिए, अगर आप चाहें तो इस तरह से करके एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, अभी देखिए जो चीजें मैं आपको पीछे बता रहा था, अब वही चीजें सेम यहां पर भी अप्लाई होना चालू हो गई हैं। अभी ये जो है यहां पर भी एक जो है चैनल पैटर्न बन गया है। अब चैनल पैटर्न में देखिए क्या होता है, चैनल पैटर्न में जब भी हमको प्राइस ऊपर की तरफ मिलता है तो हम उसको सेल की तरफ देखते हैं, और जब भी प्राइस हमको नीचे वाले चैनल पर मिलता है तब हम वहां से बाइंग की पोजिशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर ये देखिए नीचे की तरफ गया है, फिर जो है ऊपर चैनल को टेस्ट किया है, ऊपर चैनल टेस्ट कर गया, जब ये नीचे की तरफ आया है फिर ये ऊपर चैनल को टेस्ट, मतलब जब भी आप देख रहे हैं कि जब भी ऊपर चैनल को जाकर टेस्ट कर रहा है, ऊपर चैनल को टेस्ट करने के बाद जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे की तरफ कहाँ तक आ रहा है, सेम उसी जो हमने चैनल जो ड्रॉ करके रखा हुआ है उसी लोअर ट्रेंड लाइन पर आ रहा है। चलिए मैं आपको एक चीज अभी और बता देता हूँ। देखिए जो चीजें बता रहा हूँ प्लीज जो है इसको अपने चार्ट पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा, जो चीजें समझ में नहीं आती हैं आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। देखिए जो चीजें मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि कोई भी सपोर्ट हो या कोई भी रेजिस्टेंस हो, जब वो 4 से 5 बार जो है लेवल टेस्ट हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि वो जो है एरिया जो है टूटेगा। अब ठीक है, अभी जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, तो 5 टाइम जो है इस ट्रेंड लाइन को आइशर मोटर ने टच किया है। फर्स्ट टाइम जो टच किया था वो 25,200 का लेवल था, सेकंड टाइम टच किया था वो 23,115 का लेवल था, थर्ड टाइम जो टेस्ट किया था वो 21,666 का लेवल था, फोर्थ टाइम जो टेस्ट किया था वो 19,493 का लेवल था। तो ये 4-5 बार टेस्ट करने के बाद फाइनली देखिए यहां पर इसका इसने ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है ना, अभी ब्रेकआउट जो किया है, ब्रेकआउट करने के बाद ये हमको ये देखिए जो पिछला जो हाई लगा हुआ था, देखिए हम बहुत पीछे हम नहीं जाते हैं, ठीक है ना, कि हम अगर बहुत पीछे अगर हम जाएंगे तो हमको चीजें नहीं समझ में आएंगी। ये जो पिछला हाई लगा हुआ था तो ये हमारा टारगेट होगा जब यहां से इसका ब्रेकआउट होगा, और यहां पर हमारी एंट्री कहां पर होगी, देखिए जब इसका ब्रेकआउट हो रहा है तो ये जो पिछला हाई लगा हुआ है, ये देखिए ये जो पिछला हाई लगा हुआ है, अगर ये लेवल क्रॉस करता है फिर हमारी यहां पर एंट्री होगी। ऐसा नहीं है कि यहां पर ये लेवल जो है ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के साथ में हमने एंट्री ले ली, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो कई बार आप जो है फेक ब्रेकआउट के चक्कर में फंस सकते हैं। अभी यहां पर देखिए जैसा कि मैं आपको बता दूं, अच्छे से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये एक मिनट मैं यहां पर जो है ड्रॉइंग कर लेता हूं। ये देखिए ये लेवल यहां पर ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद फिर जो है, सॉरी मैं इसको डिलीट करूं, थोड़ी मेरी ड्रॉइंग अच्छी नहीं है। ये देखिए यहां पर ये लेवल ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद देखिए यहां पर रीटेस्ट करने के लिए आया है। ठीक है, और रीटेस्ट करने के बाद ये देखिए ये जो कैंडल जो बन रही है ये बुलिश एंगल्फिंग टाइप की कैंडल बन रही है, तो यहां पर हमारा ट्रेड जो है एग्जीक्यूट होगा, और यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा जो टारगेट होगा, ये जो हमने ऊपर जो अपना रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है ना, अभी देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं फिर आपको बताता हूं। अब ये देखिए ये जो ऊपर जो हमने रेजिस्टेंस जो ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये रेजिस्टेंस जो है एक जो है हाँ ये रेजिस्टेंस देखिए मैं आपको यहां पर एक चीज और ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये जो पीछे ये जो हाई लगे हुए हैं आप ये देख सकते हैं, ये जो पीछे हाई लगे हुए हैं हमने यही लेवल पकड़ के जो है इसको जो है इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अभी जो है पिक्चर इसमें कुछ ज्यादा ही ड्राइंग हो गई है तो आपको चीजें जो है थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप जो है समझने की कोशिश करिएगा। तो यहां पर देखिए रेजिस्टेंस पर जाने के बाद जो है ये देखिए काफी टाइम तक यहां पर सस्टेन हुआ है। ठीक है ना, जब कोई भी स्टॉक रेजिस्टेंस पर जाता है और रेजिस्टेंस पर जाने के बाद कुछ टाइम वहां पर स्पेंड करता है, मींस वहां पर एक रेंज बाउंड टाइप का जो है पैटर्न बनाता है, तो वहां पर जो है मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब भी वो रेंज ब्रेक होती है वहां पर हमारी एंट्री होनी चाहिए। यहां पर आप देखिए ये रेंज यहां पर ब्रेक हुई है। ठीक है ना, एक मिनट ये देखिए आप, जैसा ये देखिए ये रेंज यहां पर ब्रेक हुई है, ब्रेक होने के बाद ये देखिए रीटेस्ट करने के लिए गया है, रीटेस्ट करने के बाद ये देखिए, ठीक है, ये जो ऊपर रेजिस्टेंस, इसके लिए जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था आइशर मोटर नियर अबाउट 23,000 के लेवल पर, तो 23,000 के लेवल पर ये देखिए ये नियर अबाउट 1 नवंबर से लेकर के 3 जनवरी, नियर अबाउट 2 से 3 महीने जो है ये रेंज बनी है। 2 से 3 महीनों का जब रेंज ब्रेक हुआ है तो ब्रेक होने के बाद ये देखिए नीचे की तरफ आकर फिर ऊपर रीटेस्ट करने गया है, और रीटेस्ट करने के बाद जब ये लेवल यहां पर ब्रेक होगा तब हमारी एंट्री होगी। और देखिए ये लेवल ब्रेक होने के बाद हमारी एंट्री देखिए कितनी शानदार हुई है। चलिए अब मैं ये जो चीजें जो है डिलीट कर देता हूं और मैं आपको जो है चीजें कुछ और बता देता हूं, जो
चीजें आपको जो है मतलब आने वाले टाइम में फ्यूचर में इसमें क्या हो सकता है, तो ये चीजें मैं आपको बता देता हूं तो पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो पहले मैं ये सब चीजें डिलीट कर देता हूँ, मैं ये भी डिलीट कर देता हूँ, ये जो हमने चैनल ड्रॉ करके रखा हुआ था। देखिए दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ना कि मैं जो चीजें आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ, सिखाता हूँ ना, वो जाकर एक बार जरूर जो है अपना चार्ट खोलकर उसमें ड्रॉइंग करने की कोशिश किया करिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो है टेक्निकल एनालिसिस जो है काफी अच्छी हो जाएगी और आपको जो है मार्केट में जो है अच्छा पैसा आप यहाँ से निकाल पाएंगे। तो मैं ये डिलीट करने जा रहा हूँ सारी चीजें। तो अब देखिए, हम जो एक लॉन्ग टर्म का व्यू ले लेते हैं अभी यहाँ पर। तो ये देखिए, अभी लॉन्ग टर्म के व्यू में हम यहां से ये देखिए जो हायर हाई और हायर लो निकले हुए हैं, ये सॉरी, चलिए अब ये देखिए, एक मिनट में ये सब चीजें डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। फिर मैं इसलिए इसको डिलीट कर रहा हूं तो आपको जो है अब अच्छे से जो पता लगेगा। तो अब देखिए यहां पर मार्केट क्या कर रही है, और यहां पर मैं एक 200 का मूविंग एवरेज भी ले लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए 200 का मूविंग एवरेज हम क्यों यूज करते हैं, ये देखिए मैं कभी कभी ये सब यूज करता हूँ। मैं अधिकतर मेरे चार्ट जो है बिल्कुल मैं प्राइस एक्शन पर ही काम करता हूँ, और मेरा एक अपना सेल्फ डेवलपमेंट सिस्टम है, जो सिस्टम मैंने खुद ऑपरेट किया है, खुद बनाया है। ज्यादातर मैं उसके बेस पर ट्रेड लेता हूँ, और वो जो सिस्टम जो है वो टोटल प्राइस एक्शन पर मैंने बनाया हुआ है। वहां पर मेरे को सिग्नल मिलते हैं कि मतलब अभी ये स्टॉक बाय करने हैं या फिर ये स्टॉक सेल करने हैं, और जो है ऊपर वाले की कृपा से जो है 90% मेरा वो जो सिस्टम है काफी अच्छा काम करता है, और उसके बेस पर जो है मैं बहुत अच्छे पैसे निकाल पाता हूँ। और मैं अपने क्लाइंट को भी कभी कभी जो है अपने सिस्टम की कॉल दे देता हूँ, और सिस्टम जो है काफी अच्छा मेरा काम करता है। तो चलिए अभी देखिए हमको यहाँ पर क्या करना है आने वाले टाइम में। सबसे पहले तो अभी जो है मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एकदम से पैसा इन्वेस्ट मत करिए, 10-10% करके इन्वेस्ट करिए। जैसे आज आपने 10%, आपके पास 100 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, और आपने क्या करना है, 100 रुपए इकट्ठा मार्केट में नहीं लगा देना है, आपने 10-10 रुपए करके मार्केट में लगाना है। जैसे आज आपने 10 रुपए लगा दिया, कल फिर मार्केट थोड़ा नीचे जा रही है, फिर 10 रुपए लगा दिया, फिर मार्केट और नीचे जा रही है, फिर 10 लगा दिया, मतलब जो है मतलब आप हर वीक जो है 10-10% की इन्वेस्टमेंट करते जाइए। जो मतलब आप देखना कि जिस तरह से मार्केट नीचे आई है ना, उसी तरफ से आने वाले 6 महीनों मार्केट जो एक बूम करने वाली है, ठीक है ना। तो ये चीजों का जरा ध्यान रखिएगा। तो अभी देखिए हमको मार्केट में क्या क्या करना है। तो अभी जो है ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अभी मैं इसको जो है बंद कर देता हूँ 200 मूविंग एवरेज। और यहां पर ये देखिए, यहां पर आपको जैसा दिख रहा है, यहां पर एक डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, डबल बॉटम पैटर्न आपको यहां पर दिख रहा है। और ये देखिए, और यहां से हम लेकर चलते हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है हम देखते हैं, कोई आरएसआई डाइवर्जेंस तो नहीं है, नहीं यहां पर कोई आरएसआई डाइवर्जेंस वगैरह कुछ नहीं है आरएसआई में। देखिए हमको जब भी डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न मिल ले तो हम एक बार आरएसआई डाइवर्जेंस जो है जरूर चेक कर लिया करिए, वो जो है काफी एक फायदे का सौदा हो सकता है। तो यहां पर देखिए, अब इसने जो है एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, और डबल बॉटम पैटर्न में जो है ज्यादातर चांस ये होता है कि जो है मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकलेगी, ठीक है ना। बट यहां पर हमको कोई आरएसआई डाइवर्जेंस और कोई बुलिश डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैं अभी इसमें बुलिश नहीं रहूंगा। देखिए मैं अभी अगर मुझको इसमें आयशर मोटर में ट्रेड लेना होगा तो मैं कहां पर लूंगा, मैं वो चीज आपको बता देता हूं, ठीक है ना। मैं आयशर मोटर में अगर मुझे ट्रेड लेना होगा तो मैं ट्रेड ये देखिए, जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद यहां पर रिटेस्ट करने आएगा, रिटेस्ट करने के बाद फिर यहां से इस तरह से निकलेगा। तो जहां ये देखिए, जब ये रीटेस्ट करने के लिए आएगा, और रीटेस्ट करने के बाद मुझे जब 2-3 मल्टी कन्फर्मेशन मिलेगी, जैसे मतलब कोई बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मिल गया, नीचे से कोई आरएसआई का सपोर्ट मिल गया, और कोई ऊपर से ब्रेकआउट मिल गया, और एक ब्रेकआउट मैं आपको और चीज बता देता हूं, और जब इस लेवल को निकालेगा, ये वाला लेवल, ये देखिए यही लेवल जो है पीछे भी देखिए आप देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ठीक है ना। यहां पर आने के बाद जो है इसका ब्रेकआउट करे, ठीक है ना, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करिए, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने का रीटेस्ट करने आए, रीटेस्ट करने के बाद जब ये हाई, फिर 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम, जब फिर जो है ये चौथी बार जब ये हाई निकालेगा ना, फिर मेरी एंट्री यहां पर होगी, ठीक है ना। और देखिए यहां पर दूसरा सेनेरियो क्या बन सकता है, दूसरा सेनेरियो जो है यहां पर ये बन सकता है कि ये जो स्टॉक जो है नीचे की तरफ ऐसे आए, इसका ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद फिर यहां रीटेस्ट करने आए, रीटेस्ट करने के बाद फिर नीचे की तरफ जाता है, तो मेरी एंट्री यहां पर जाके एग्जीक्यूट होगी। सॉरी मेरी ड्राइंग जो है मैंने आपको पहले बताया कि अच्छी नहीं है, तो मैं आपको फिर से यहां पर एक चीज बता देता हूँ। सॉरी पहले मैं इसको डिलीट कर दूं, यार ये डिलीट का बड़ा थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम आ जाता है, डिलीट नहीं होता ये, जो मैं ड्रॉइंग कर देता हूँ,
बड़ा प्यार है इसका मेरे से। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको ये चीज बता दी है कि देखिए मार्केट में दो तरह के सिनेरियो बन सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियो जो बनेगा वो बन सकता है कि ये ट्रेंड लाइन जो है अपनी लॉन्ग टर्म की जो ट्रेंड लाइन है, जो ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं 2018 से कंटिन्यू आ रही है, 2020 हो गया, 2 साल की ये जो ट्रेंड लाइन है लॉन्ग टर्म की, ये इसको जाए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद इसको रीटेस्ट करने आए, रीटेस्ट करने के बाद जब ये हाई निकालेगा, ये वाला हाई, ये जो लेवल जो है आप देख सकते हैं 23,500 का, 23,500 का लेवल निकालने के बाद ही मैं इसमें बाय की एंट्री लूंगा, अदरवाइज मैं इसमें बाय की एंट्री नहीं लूंगा। सेकंड इसमें सिनेरियो क्या होगा कि ये जो हमने ये पैटर्न जो ड्रॉ करके रखा हुआ है, डबल बॉटम पैटर्न जो ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद इसको रीटेस्ट करने आए, और जब रीटेस्ट करने के आने के बाद फिर जब इसका ये जो आप देख सकते हैं ये जहां तक ये आएगा, इसका जब ब्रेकआउट होगा तब मैं यहां पर जो है ट्रेड लूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई चीजें जो है आप लोगों को समझ आई होंगी। अगर कुछ भी आपको डाउट है, कोई भी इश्यू है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप मेरे साथ अकाउंट खुलवाते हैं, अलाइस ब्लू में अगर अकाउंट खुलवाते हैं, तो उसका जो है आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। आपको जो है मैं इंट्राडे की कॉल वगैरह दूंगा जो मैं अपने पेड क्लाइंट्स को देता हूं, ठीक है ना। आपको जो है इंट्रा उसमें व्हाट्सएप के ग्रुप में मैं आपको ऐड करूंगा, प्लस जो है मैं अपनी जो ट्रेनिंग देता हूं, ट्रेनिंग में आपको 10 से 20% का आपको डिस्काउंट उसमें भी मिलेगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, कोई पैकेज लेना चाहते हैं, तो आप मेरे को मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मतलब देखिए, मैं जो मेरा जो पैकेज है वो उसका नाम है लर्न एंड अर्न कंसेप्ट। उसमें देखिए क्या है, उसमें ऐसा है कि मतलब मैं संडे संडे जो है डेली क्लासेस देता हूं अपने क्लाइंट्स को, उसमें चीजें बताता हूं जो है टेक्निकल चीजें सारी सिखाता हूं कि मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना है, कहां एंट्री करनी है, एग्जिट करना है, मनी मैनेजमेंट, इसमें सब चीजें, मतलब टोटल A to Z चीजें, जो चीजें मुझे आती हैं वो सब चीजें मैं अपने क्लाइंटों को सिखाता हूं। सेकेंड जो है उसके बाद जो है मंडे टू फ्राइडे मैं कंटिन्यू कॉल देता हूं, जिससे मतलब वो डेली प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब देखिए, कई क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने हफ्ते 10 दिन में, या फिर कई कुछ लोग तो विद इन 1 वीक में अपनी फीस रिकवर कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा ये जो है लर्न एंड अर्न कंसेप्ट जो है काफी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप जो है सीखते भी रहिए और डेली कमाते भी रहिए, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई चीजें समझ में आई होंगी। बाकी मेरे नए दोस्तों से आग्रह है, जो भी मेरे दोस्त पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा कि आपको जो है आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे टू ऑल।